शमशेरा एक ऐसे इंसान की कहानी है जो वो अपने लोगों के लिए, अपनी जनजाति के लिए एक शक्ति, एक ताकत बन जाता है। और उसका नाम सिर्फ उसका नाम नहीं रहता, वो एक सोच, वो एक अभियान बन जाता है। और उस अभियान को किसी भी कीमत में पाना शमशेरा की कहानी है। अभी शमशेरा कौन है, अगर बली शमशेरा बनेगा नहीं बनेगा, ये आपको फिल्म में ही देखना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली ये जो एक्टर्स बैठे हैं, इनको रिटन मैटर पसंद आया, तो दे अग्री टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। लेकिन उसके बाद होता यह है कि ये इतने कमिटेड और इतने प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, ये एक बार रिटन मैटर को जब हाँ करते हैं तो इनको इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि दे आर देन ओनली वर्किंग फॉर द बेटरमेंट एंड द फाइनल ऑफ द फिल्म एंड द फाइनल प्रोडक्ट टू बी ग्लोरियस। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एक दिन भी ऐसा था कि इनको जमा करना या इनको समझाना या इनको साथ में लाना मुश्किल था, बिल्कुल नहीं। बहुत कमिटेड हैं, फिल्म के बारे में सोचते हैं, फिल्म को बेहतर करने के बारे में सोचते हैं। सो किसी डायरेक्टर के लिए उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। रियल लाइफ तो मैं नेगेटिव बंदा है ही नहीं, मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। जेल भी जाके मैं पॉजिटिव ही रहा। नेगेटिव रोल करन दा बहुत मज़ा आता है यार, काफ़ी शेड्स होंगे ने, मज़ा आता है। लेकिन जदों मेरा डायरेक्टर पैकअप कहता है, मैं शुद्ध सिंह नू या कांचे नू मैं उत्ते सेट दे उत्ते छड़ के मैं घर चले जाना, तो मैं कोई फर्क नहीं पैंता। थोड़ी सन ऑफ सरदार मूवी आई सी, बहुत प्यार मिला सीगा, और रणबीर जी की फिल्म आई सी रॉकेट से। भाई असी पग पाने ना तो लगते हैं कि मतलब पंजाबी मर्द होंदा ना वो पग पाता, वो फीलिंग मैं आई सी। पग मतलब इज्जत होंदी है बंदे दी, ते पग रब होंदा है। पग एक आइडेंटिफिकेशन होंदा जो बहुत तगड़ी चीज़ होंदी है। मैंने जब रॉकेट सिंह की, अफसोस वो फिल्म चली नहीं, जो मेरे जब मैंने वो किरदार निभाया तो एक्चुअली वो मेरा बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर रहा है। मुझे याद है कि मेरी मम्मी और मेरी नानी इतनी खुश थी कि मैं पग पहन रहा था, मैं रोज़ उनको एक फ़ोटो भेजता था सेट से, और बहुत खुशी महसूस होती थी। मैं गोल्डन टेम्पल भी गया अमृतसर में, और मैं वहाँ मैं पग पहन के मैंने दो दिन दो रातें गुजारी। तो जो वो फीलिंग आती है, वो फीलिंग दुनिया में ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं है, बहुत अच्छा महसूस होता है दिल में, एंड इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस। मेरी पहली पिक्चर आई थी 1981, तो उत्थे प्रमोशन की लोड़ ही नहीं पैंदी सी। हुण थोड़े जिहा मैनू स्यापा लगता है, लेकिन करना पड़ेगा। हुण प्रमोशन बहुत इंपोर्टेंट हो गए, तो असी वो करना ही पड़ेगा, तो इट्स गुड फॉर द फिल्म आई थिंक। अब तुसी टेक ओवर कर लो भाजी। नहीं की कह, मतलब होंदा सी पहला पिक्चर आंदियां सी ते तुसी जाके सिर्फ एक्टर नू वेखण वास्ते चले जांदे सी। अजकल इन्ना मटीरियल हो गया है, इन्नी ऑफरिंग्स हो गई हैं, OTT आ गया है, और पिक्चर आ गई ने, कि हुण सानू कोशिश करनी पड़ती कि तुहानू चुक्का उस सीट तो और जाके थिएटर च रखा, ताकि जाके तुसी अपनी पिक्चर देखो। तो मेहनत बढ़ गई है, बट ठीक है, इट नीड्स टू बी डन।